हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टडर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के बारे में और देखेंगे इसकी वैकेंसीज को कहाँ पे निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला नोटिफिकेशन आया वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर से, जिसमें इन्होंने यहाँ पे गेस्ट फैकल्टीज की रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, यानी ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जो यहाँ पे लाइक रिक्रूटमेंट है वो गेस्ट फैकल्टी का है, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। और यहाँ पे इन्होंने जो है ऑड सेमेस्टर के लिए जुलाई टू दिसंबर 2021 के लिए जो यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी का नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, तो अभी सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए है और ये बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करता है जब तक रेगुलर जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं हो जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं डिपार्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे नंबर ऑफ पोजिशन भी मेंशन कर रखी है कि कितनी पोजिशन जो है वो यहाँ पे वैकेंट है और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर रखा है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक एमटेक विद फर्स्ट डिवीजन इन बोथ एंड पीएचडी रिलेवेंट डिसिप्लिन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही मैथमेटिक्स में पीएचडी विद बीएससी एंड एमएससी विद फर्स्ट डिवीजन और इंटीग्रेटेड एमएससी विद फर्स्ट डिवीजन विद पीएचडी इन अप्रोप्रिएट ब्रांच। ऐसे ही ह्यूमैनिटी मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज को तो निकाला गया है। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन, अगर आप इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि जो गेस्ट फैकल्टी की पोजीशन ये ऑड सेमेस्टर के लिए, यानी जुलाई टू दिसंबर 2021 के लिए भी है। और ये जो है सिर्फ अभी तक एक ही सेमेस्टर के लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर अगर जो रेगुलर अगर यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे रिक्रूटमेंट रेगुलर नहीं होता है तो ये पोस्ट को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ एक ऑड सेमेस्टर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, तो वो भी यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड सैलरी जो दी जाएगी वो आपकी 54,000, ठीक है, यहाँ इंक्लूडिंग एचआरए। तो यहाँ पे आपका एचआरए को इंक्लूड करके यहाँ पे 54,000 पर मंथ जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और तो कंसोलिडेटेड सैलरी ये इनहेंस भी हो सकती है अगर कंपिटेंट अथॉरिटी जो है उसे अप्रूव कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो 29 जुलाई 2021 है 12 मिडनाइट तक। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑनलाइन मोड में फ्रॉम 2 अगस्त 2021 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो आप अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है अप्लाई करते रहिए, कर सकते हैं। और अगर आपको इसका इससे रिलेटेड कोई भी रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जो इसकी वेबसाइट को, ऑफिशियली वेबसाइट को आपको रेगुलरली जो विजिट करना है, ताकि आपको आपका डेट ऑफ इंटरव्यू या किसी अदर टाइप की जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो आया सेंट फ्रांसिस डी सेल्स कॉलेज से। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर नॉन ग्रांट कोर्सेस, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए 3, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 3, एमएससी केमिस्ट्री के लिए 5, एमएससी मैथ के लिए 3 और एमएससी फिजिक्स के लिए 3, बीसीए के लिए 1। ठीक है, तो ये वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है और ये सारी पोस्ट जो है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो अगर आप इसके लिए जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो नॉर्मली जो आपका नागपुर यूनिवर्सिटी या यूजीसी के अकॉर्डिंग ही रहेगा, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट जो इन्होंने मेंशन कर रखी है, आप इस वेबसाइट पर जाके जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 8 अगस्त 2021 है और यहाँ पे आपको जो है वो 100 रुपीज़ का जो पे है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आया है वो हमारा आया है थासिम बीवी अब्दुल कादिर कॉलेज फॉर वुमेन से। तो यहाँ पे देखिए कैरियर ऑप्शंस फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने वाली कि ये जो पोजिशन है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे अरेबिक, इंग्लिश, कॉमर्स, होम साइंस, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, तो इन सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे जो नॉर्म्स लाइक क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी एज पर यूजीसी नॉर्म्स, पीजी विद नेट होना आपका कंपलसरी होना चाहिए या सेट, अगर आप यहाँ पीएचडी तो आपको यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है और आप सारी क्राइटेरिया को फिलफिल करते हैं तो आप जो है अपना रेज्यूम जो है वो सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मेल आईडी उन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा
यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, तो आप इस पर डायरेक्टली जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे सैलरी जो है वो कॉन्स्टेंट रखी गई, यानी कि अगर आपका डिग्री अच्छा है, आपका रिज्यूम अच्छा है, तो आपको यहाँ पे सैलरी जो है वो ज़्यादा अच्छी दी जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।